बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का कहर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में पाला पड़ने का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं पाला पड़ने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। नगांव की बात की जाए जो कि सबसे ठंडा देखा जाता है, 0.2 डिग्री सेल्सियस तक यहां पर पारा पहुंच चुका है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड में भी शीतलहर के आसार जताए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो हवाओं की दिशा बदल रही है जिसकी वजह से लगातार पारा लुढ़कता हुआ और उसी के साथ रफ्तार बढ़ती हुई ठंड की। और ठंड और कोहरे की बात की जाए तो लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसका कहर देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में ठंड काफी ज्यादा मध्य प्रदेश में पड़ रही है और सुबह की ये तस्वीर अगर आप देखेंगे जहां पर कोहरा छाया हुआ है, सड़कों पर सन्नाटा है और लोग गाड़ी की हेडलाइट चालू करके आना जाना कर रहे हैं। और देखिए ठंड का, कोहरे का जो असर है न केवल लोगों पर बल्कि ट्रेन का जो रूट है उस पर भी देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक पर भी इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी इस वक्त ले रहे हैं। नौगांव की बात की जाए तो आपको एक बार फिर से बता दें कि 0.9 डिग्री सेल्सियस तक पारा लुढ़का है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहां पर शीतलहर के आसार जताए गए हैं। कई जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जहां पर कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चलिए मौसम का अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, मौसम विभाग की माने तो अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में है। आज के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ पूर्वानुमान है? जी, बता दूं कि ऋतु सिंह जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, वहीं आज भी मौसम विभाग अलग अलग क्षेत्र में अलर्ट जारी करेगा। फिलहाल मौसम विभाग ने बताया है कि 0.9 डिग्री टेम्परेचर नौगांव में दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों में टेम्परेचर अलग अलग दर्ज किया जा रहा है। हालांकि भोपाल की बात करें तो बीते दिनों से कुछ टेम्परेचर में वृद्धि हुई है, बढ़ा है, कोहरा कम हुआ है राजधानी भोपाल समेत आसपास के क्षेत्रों में, पर कहीं पर शीतलहर और पाला पड़ने के भी आसार जताए गए हैं। ग्वालियर, चंबल संभाग में पाला पड़ने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। वहीं ग्वालियर, दतिया की ओर शीतलहर के भी आसार जताए गए हैं और प्रदेश के कुछ हिस्सों को कोल्ड डे भी घोषित किया है। तो इसीलिए मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करे हुए, और मौसम विभाग उसने अलग अलग गाइडलाइन भी जारी की है कि जल्दी सुबह लोग बाहर ना निकले, कोहरा अधिक होने के कारण विजिबिलिटी जो होती है वो लो होती है, यदि बहुत आवश्यक काम है तो ही घर से बाहर जल्दी निकले। इसके अलावा मौसम विभाग ने पूरे जो ठंड के इंतजाम किए जाते हैं उसका इंतजाम करना है, जैसे टोपा पहन के बाहर निकले, मफलर लगा के निकले और भी अन्य तमाम स्वेटर पहन कर निकले, जो भी अपने स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो वो सब अपने शरीर पर पहनकर निकलना है, जिससे कि गर्मी बनी रहे, क्योंकि जिस तरीके से अभी मौसम ठंडा है उससे अलग अलग अनेक बीमारी होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा स्कूलों की भी अलग अलग जिलों में छुट्टी कर दी गई है। दीपक, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तापमान 10 डिग्री के नीचे तक पहुंच गया। ऐसे में जरूरी है कि ठंड को देखते हुए अपना खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।